सब तो पहले मैं दौड़ा माफी मांगते वो करते थोड़ा लेट भी देखो अगे भी लेट भी है उन्होंने श्री रमन भल्ला जी कि राहुल गांधी जी ने अखबार चोड़ो यात्रा सारे लोग इसके उपर सोचने उपर मजबूर न क्यों आई तुसी देखो कि 70 साल कांग्रेस ने आजादी जिले प्राप्त की इस देश ने ते 70 साल तक 70 सालों में कोई 10 साल जो अरसा जो है वह दूजी पार्टी भी उस राज किया असि मनी लें 60 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने और कोई भी गरीब तबका भी खुश हा मजदूर तबका खुश हा बिजनेसमैन खुश हा नौकरी वाला भी खुश हा और जिमीदार और किसान जो जिसे आखने मसीहा इसके देश का जो सा अन्नदाता है वह भी खुश हा लेकिन अज ऐसी बदहाली हुई है कि हिंदुस्तान के त्राही त्राही मची दी है ना गै किसान जरा खुश है ना गै मजदूर खुश है ना गै सा यूथ खुश है और ना ही बिजनेसमैन खुश है अगर खुश है तो हथ खड़ा करिए दसो है कोई खुश इन इन्नी मुसीबत हुई है हिंदुस्तान की बिच ये यात्रा करने का यो एक मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज के बिच एक सूत्र के बिच बनने का प्रयास किया जाए और इस जी सरकार की जी गलत नीतियां उसके खिलाफ जोड़ा है और असी लोगों एक मुश्त हो खड़ा होना और इस सरकार की जी बखिया उधर दे देनी होई आ कठुआ होई आ जो कंडी एरिया हुई है इस सारे एरिया मिलाइए सड़ा एक गेटवे है उसके साड़ी अपनी शान है असी बसोली हो भी आओ इन्हें बलौर हो भी आओ इन्हें बड़ी हो भी आओ इन्हें हर बंदा अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन लेकर आया था लेकिन मुझे लगता कि सारे ज्यादा बड़ा ताज और इज्जत तो सारी कठुए की बनती है क्योंकि अस भी जो शामिल होंगे तो सारा ताज है सारा डिस्ट्रिक्ट सारा जिला और जिले वाले लोग जो बड़ी चढ़िए इसे हिस्सा लेंगे तो वो बड़ी बड़ी एक गल होनी है और इो चीज़ कैरी होनी है ढिल श्रीनगर तक और बाद इस यात्रा का जो समापन होना है तो लोगों का कहना कि वाकई जम्मू कश्मीर ने जड़ी इस ताकत दी है अपनी वो शायद जड़ी आज तक मीडिया दसती ही वो एक्चुअल वो नहीं है जड़ी है वो साड़ी ताकत साड़ी जड़ी फलाव है वो साड़ा दसेगा इस वास्ते मैं सारे कन्ने इयो अपील करगा बींग एज ए लोकल अतिथि देवो भावा एक साढ़े वास्ते शास्त्र भी गलांदा है कोई अतिथि साढ़े कोल आया था वो देवता होता था उसी देवते समान असी ट्रीट भी करिए और अपनी पूरी ताकत करने उसकी जोरों शोर करने स्वागत करिए 19 तरीक 4:30 बजे उसे पूजिए पेश है कि भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जो लखनपुर से 19 तारीख को शुरू होगी 20 और 21 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहेंगे राहुल जी के यात्रा में अपना योगदान दीजिए क्योंकि राहुल जी खुद के लिए नहीं आप सबके लिए लड़ रहे हैं जब तक आप लोग उनका साथ नहीं देंगे उनका मनोबल जो है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो उनका साथ जो है वो पीछे होता जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ बढ़ चढ़ कर आप सब लोग हिस्सा लीजिए और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आग्रह करूँगा पंकज डोगरा जी से कि वो आए और अपनी बात रखें प्रोग्राम की खूबसूरत प्रोग्राम की होस्ट किया उसी विष्णु दोतला ने बड़ी मुबारकबाद देना बाकी सारी टीम की बड़ी मुबारकबाद देना ये सारे ही पता कि 19 तारीख शामी 4 बजे राहुल गांधी जी लखनपुर एक जनसभा की संबोधित करने जा रहे सब को पहले साड़ा एक फर्ज बनता है जेडे राहुल जी कन्याकुमारी तो बक बक स्टेटें दिया समस्याएं सुनते आ रहे हर एक स्टेट की अलग अलग समस्या हर एक सूबे की अलग अलग समस्या हर एक समस्या की सुनते आ रहे इं साड़ी भी स्टेट दी बड़ी समस्या चाहे वह बेरोजगारी है चाहे वह महंगाई है चाहे साड़ी जमीने की लड़ाई जी चला दी इसलिए सरकार कन्नै कांग्रेस ने भी राज किया बड़ा अच्छा राज किया अज सरकार जमीन साढ़े कोल हियां किसान 20-20 साल 30-30 साल 200-200 साल दे उन्हें जमीन ही बाद है कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कुसे किसान की बेदखल करने की कोशिश नहीं की हमेशा किसानों की गल की और अज भारतीय जनता पार्टी उन सारी जड़ियां साड़ी सरकार जमीन ने उन्हें चिन्हित करने की कोशिश करा दी अज उपरले कंढी एरिए दे विच अपने पटवारियों की ड्यूटी लाई ओड़ी अज साढ़े इस एरिए दे विच पटवारियों की ड्यूटी लाई ओड़ी साड़ी साढ़े इतने जिन्ने भी लोग बैठे सारे जमींदार ने 20-20 कमा 10-10 कमा 8-8 किले पै लिया लेकिन अगर वो कोई 4 कनाल जमीन साढ़े किसी किसान ने 4 कनाल जमीन अगर कोई सरकार वो लगती ही लेकिन 200 साल तो अपने खून पसीना सर वो पर खर्च करिए उसी बाद हराद हा अज सारिया जमीन छुड़काने का प्रयास जी भारतीय जनता पार्टी जी अन्नी तो बहरी सरकार करा दी है असर सारे लोगों अपनी समस्या राहुल जी की सुनानी है वो बाद अज बेरोजगारी की समस्या साढ़े
देखो सब इंस्पैक्टर दी भर्ती हुई साढ़े किन्ने बच्चे अव्वल आए चार पांच बंदे जिन्हें कोई पैसे खर्च किए थे उदे कारण साढ़ा 1000 बंदा सफर होया सर 1000 कुछ जॉब लगे थे जिन्हें कोई चार पांच बंदे या 10 बंदे 20 बंदे 30 बंदे लेकिन करप्ट कौन हा करप्ट भी तो भारतीय जनता पार्टी का निजाम हा जिन्हें दिल्ली आइए बिठाए हा इतने उन्दे गए जो लोग है उन्दे गए ऑफिसर करप्ट है अज 1000 बच्चा जो सब इंस्पैक्टर की फीतियां लाई है और साढ़े महल्ले साढ़े अरुण इतने एक मुड़ा है वार्ड नंबर 12 का साढ़ा पिछले साल वो सब इंस्पैक्टर बनया और साढ़े इधर के अज और मुड़े साढ़े सब इंस्पैक्टर बने अकाउंट असिस्टेंट दी भर्ती हुई उस घोटाले हुए क्या एक घोटाले केंद्र सरकार के अख के थले होवा उनके कन्न के थले होवा जम्मू कश्मीर के अज इन्नी ज्यादा लोगों की हरास किया जा रहा जी साढ़ी 370 तोड़ी गई 300 अस अज 370 और 371 की डिमांड कांग्रेस पार्टी राहुल जी के अगे जाइए सुनाई सकती है जिसे कि सू स्पैशल स्टेटस आ एक बड़ा अच्छा स्टेटस आ राजा महाराजा जी टाइम पर सू एक स्टेटस आ अस चाहते सारी सारिया सिस्टम और सू सा स्टेट की भी बहाल किया जाए डेली कोई ऐसा दिन नहीं होता रमन भला जी अपनी आवाज साड़ी स्टेट की आवाज बुलंद करने रोज सड़कें पर होंगे कोई ऐसा टाइम नहीं सवेरे 8 बजे को लेकर सिर्फ एक काम करते हैं लीडरी और लोगों की आवाज चुकते हैं चाहे वह जम्मू होए चाहे रजौरी होए श्रीनगर होए कोई भी एरिया तुम कभी भी अपना सोशल मीडिया खोलिए देख लो रमन भला जी का पेज लाइक करो एक भी टाइम तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि आदमी अच्छ एक दिन भी वेला बैठे था हमेशा रजौरी इंसीडेंट हो रमन भला जी उत्थे भी गए विशु जी आखते हैं कि सू लोग पुछते हैं कि जी यात्रा कैद वास्ते है ये यात्रा भारत टुटेगा कुछों है ये दिलों के पिछों टुटेगा सिख दे हिंदू दे ते मुस्लिम ते इन्हें सारे दिलों के पिछों टुटेगा भारत तो इन्हें जोड़ने वास्ते राहुल साहब ने जी यात्रा कड़ी है साढ़े तो ये यात्रा जी दिल जोड़ने वास्ते है जल्द दिल्ली टुटे दे तो भारत कुछों जोड़ना है इस करिए कि दिलें गी जोड़ने वास्ते ये यात्रा कड़ी है तो सारे ने सहयोग देना तो सारे कट्ठे होइए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी कुछ नहीं असी सिर्फ भारत वासी हाँ तो असी इो सोचना भारत जिसका साथ देना यात्रा मोटिव है साढ़े भला साहब दिन रात जोड़े है इस काम से लगे दे हूँ गल आती है कि आख्या जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा कटी दी है लेकिन भारत जोड़ा है टुटे का कुत्ते है अज मैं ये क्लीयर कर दिया कि भारत तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि भारत की कोई हिस्सों बंडना भारत तोड़ने का यह मतलब है कि अज अगर जिस युवा की रोजगार नहीं मिला था वो अपने रोजगार की उम्मीद से टुटी चुके दा है अगर कोई ग्रहणी की महंगाई कन्ने मानसिक तनाव चाहिए है वह अपने चौंके चुल्ले की चलाने के तौर पर कमजोर समझा दी अपने आप की उत्थे टुटी चुके दी है साढ़े जेडे छात्र न उनेंगी अग्निवीर नाम दी योजना दित्तियां गई चार चार साल की नौकरी वो छात्र भी अज टुटी चुके दा इये जड़ियां समाज टुटे दी चीजा ने इन्हें गी लेइए जड़ा है राहुल गांधी जी निकले दे कि यह उम्मीद की मैं जोड़ना है यही साड़ी भारत जोड़ो जी यात्रा है वह लक्ष्य है क्योंकि अज महंगाई की मार इन्नी हो चुके दी है कि जोड़ा 400 का सिलेंडर है वह सू 1200 च मिला दा है कापियां पर कभी GST नहीं लगे अज साड़ी कापियां पर भी GST लगी चुके दा बाकी साढ़े बिच बैठे दे साढ़े तमाम सीनियर लीडर्स ने वो तुहानू जिहड़ा है चक उहदे बाद नानके चक उहदे बाद लखनऊ नगरी करदे करदे इत्थे लेट पुज्जे पर विशु असें आख्या भी जिन्ना चिर मर्जी उन्होंने बिठाए लै लास्ट प्रोग्राम है जिन्ना चिर का माण है हूँ एक आला भेजा कि फटाफट मुंडा मकसद तो मेरे साथी हैं सारे इतने दसिया कि साढ़े आने का क्या मकसद और खासकर साढ़े शेरे जम्मू और साढ़े पूरे जम्मू सूबे की आन बान शान रमन भला जी जो साढ़े जम्मू के हितें जम्मू के लोगों जम्मू के अवाम दिन रात एक करते और साढ़े सर्दी नहीं दिखते गर्मी नहीं दिखते और 24/7 साढ़े संघर्ष करते हैं और अज इदा मैं कठुआ के आने पर बड़ा बड़ा स्वागत भी करना और धन्यवाद भी करना कि अज इन्नी ठंड के बावजूद भी अपनी सारी टीम कने इतने आए दिन और अस तुम्हें न्योता देने आए दे कि साढ़े रियासत जम्मू कश्मीर जिसी असें यूटी कन्वर्ट करी दिता गया 5 अगस्त 2019 के बाद राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लेकिन इसलिए पूरे वर्ल्ड च और पूरा एक राष्ट्रीय खेती के कारण जो उन्होंने यात्रा पिछले 122 दिन की कन्याकुमारी को शुरू की 3500 किलोमीटर की और डिफरेंट स्टेटें होंगे हुई साड़ी जी स्टेट है जी एक सिरमौर है एक ताज है पूरे हिंदुस्तान का उस ताज च साड़ा एंट्री पॉइंट है गेटवे है साड़ा इतने लखनपुर साड़ा प्रवेश द्वार है ये 19 जनवरी की शामी 4 बजे उन्हें आना उस न्योता तो सारे कि अस ऐसे शख्स जिन नफरत के खिलाफ
जिन महंगाई के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ और विशेषकर इतने आने का मकसद यही है कि 5 अगस्त 2019 को जरा स्टेटहुड साढ़े को छीना गया जड़िया नौकरियां बारे लोग मिला दें जड़िया जमीन जबरदस्ती खोआ दे उनके सारे खिलाफ असं एक मुहिम छेड़नी है ताकि आने वाले दिनों और खासकर साड़ी आने वाली नस्ल आने वाली जनरेशन ये नहीं आखी सकन कि जल्द तशद होवा दा जल्द साढ़े कन्नै धक्का होवा दा तो साड़ी लीडरशिप जी घर बैठी दी साढ़े कन्ने इतने जिन्हें तमाम साथी आए दिन मैं और जिन्हें तुम सुनने वाले हो साढ़े सारे का फर्ज बनता कि इस स्टेट की जिड़ी महाराजा हरि सिंह साहब ने जिदा पूरे स्टेट का विलय किया हिंदुस्तान कन्ने और साढ़े महाराजा हरि सिंह साहब ने विशेष रियायत विशेष सुविधाएं उसने जवाहरलाल नेहरू कन्नै जिसने असैशन होया हिंदुस्तान कन्नै साढ़े विशेष रियायत और विशेष सुविधा लोग संघर्ष करते हैं रियासत संघर्ष कर दियां कि किसानों विशेष रियायत मिल विशेष प्रावधान मिल लेकिन असें जोड़ा साढ़े महाराजा साहब ने सू सब कुछ दिता असें मुहाई उड़े सारा और खासकर अस पहले जम्मू कश्मीर एक देश आ अस कंट्री का स्टेट बने स्टेट का यूटी बने ये यूटी का कोई दिन पता लगता ये ब्लाक या डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट हो जाना असें सारे नौजवानों की अपील करके कि अस इस यात्रा की एक माध्यम समझचै जम्मू कश्मीर की द्वारा रियासत का दर्जा बहाल कराने अपने नौजवानों जेडे संघर्ष करा दे नौकरी भावें भर्ती की मामली ले लो भावें सेना च तुम दिखी लो साढ़े से कोई नौकरी नहीं है अज औने पौने लोग शर्मसार हुई है अपने इतने इलाके च काम नहीं करते बाहरले स्टेटें जाइए कोई छोटे मोटे कल का मकान रहना कि नहीं रहना ऐसे हालात ताना शाही वाले हुकूमत कभी किसी ने नहीं देखी अज लोग तंग आ गए अज लोग मजबूरी हो गए असं मजबूरी का फायदा नहीं ले करते असं लोगों को दसने भाई इसलिए बदलाव बड़ा जरूरी है और बदलाव कांग्रेस कर सकती है जिस कांग्रेस को राहुल गांधी ने पैदल चल के कन्याकुमारी तो पैदल एक एक जगह जाके तूफान आए बारिश है कोई परवाह नहीं करता लेकिन लोगों को मिलता है जो चलेगा उसका थोड़े चो किसी बुला ले गले मिले थोड़ी गल सुने कलाकार मिले नौजवान साथियों मिले स्टूडेंट्स मिले भी उन्होंने की गल जो भी मिलेगा वह भाजपा की इस नीतियों के बारे दसेगा भाई हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत रही जिन्हों रियासत तू छोटे ज यूटी च बनता जिस महल की कमेटी होती है साड़ी पहचान खत्म कर दी साढ़े बच्चों का रोज़गार खत्म करता साढ़े नौजवानों की धांधलियाँ रिक्रूटमेंट चीनियाँ कर दी टैक्स वसूलने पर बरबार मार कर दी टोल प्लाजे लगाते और बाहर के ठेकेदार सुटते इतने का ठेकेदार भी काम करने वाला है कोई तैयार नहीं रखा तो थोड़े सामने और 2014 के बाद 2022 तक हालात बिगड़ते गए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया रजौरी का कांड थोड़े सामने अज थोड़े सामने 7 बंदे मर गए घर जाके कार्ड पूछा ये पहले तो जी रोकथाम कांग्रेस ने दूसरी सरकार मिल के लगाए थे अज तो पूरा कोई आदमी अपने घर ही जो सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाहर की रहेगा वे आपू चल के डांगरी गया पहले दिन जो डांगरी गया उसने उन्होंने रोक दिता रस्ते भाई तुम उत्थे नहीं जाना पूरी दुनिया गई असं क्या सारी गड्डिया जाएगा तो मैं भी जाके लकड़ी दे दिया भाई बाकी जाने थोड़ी गड्डी का नंबर रोड है तुम्हें नहीं जान देना असं क्या गड्डिया तुम रख लो अभी पैदल चलेंगे ये भाजपा बुखलावट है किन्नी देर तुम रोकोगे आम आवाम घरों निकल आएगा ये हालात बन गए महंगाई के जरिए घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया